सहजनवा थाना क्षेत्र से 17 अगस्त को गायब तीनों बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि 17 अगस्त को सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम लुचई से तीन बच्चे गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे खेलते खेलते कहीं गायब हो गए, जिसको देखते हुए पुलिस की तीन टीम गठित की गई थी और बच्चे के पिता के तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा एसएसपी ने सूचना देने वाले व्यक्ति को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गायब बच्चों में 11 वर्षीय रुद्र उर्फ छोटे पुत्र गिरीशधर द्विवेदी, 10 वर्षीय सिद्धार्थ उर्फ पिद्दी पुत्र गिरीशधर द्विवेदी और 14 वर्षीय दीपक थापा पुत्र तुल बहादुर थापा ग्राम लुचई थाना सहजनवा शामिल थे। तीनों बच्चे गुरुवार 19 अगस्त को गीडा थाना क्षेत्र के ग्राम देईपार के एक दुकान के पास दोपहर में मिले, जिनका नाम पता पूछते हुए तस्दीक किया गया तथा तीनों बच्चों को सकुशल सुरक्षित बरामद किया गया है। सीओ कैंपियरगंज अजय सिंह ने बताया कि बच्चों को उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने कहा, 17/8/2021 को दोपहर करीब 11:30 बजे लुचुई से तीन बच्चे, जिनके नाम दीपू सिद्धार्थ व रुद्र थे, घर से खेलते हुए चले गए थे। इनके परिजनों द्वारा थाने पर सूचना दी गई, जिस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत आदेश दिया गया कि तत्काल टीमें गठित कर इनकी तलाश की जाए, जिसके अनुपालन में थाना सहजनवा पर तीन टीमें गठित की गईं और हम लोगों के निर्देशन में लगातार टीमें तलाश करती रहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप टीमों के अथक परिश्रम के कारण आज दोपहर में गीडा थाना क्षेत्र के ग्राम देईपार के निकट उन तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जिससे वो काफ़ी खुश हुए तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तथा सहजनवा पुलिस को उन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिया है।